जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और बुलेटिन की शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तंगधार इलाके में सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सुबह एक आर्मी कैंप पर 7 से 8 आतंकियों ने हमला कर दिया था। हमला कश्मीर के तंगधार इलाके में हुआ है। ये कैंप 31 गोरखा राइफल्स का है। इलाका एलओसी से सटा हुआ है। सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। इसके साथ साथ ये भी खबर मिल रही है कि हमले में एक जवान शहीद हुआ है। इसके साथ साथ 4 जवान घायल हुए हैं। इस तरह की भी खबरें हमें मिल रही हैं। इस दौरान तंगधार के ही एक शख्स की भी मौत हो गई है, ये भी खबर मिल रही है। ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली है। इस बीच खबर है कि आईबी ने 20 नवंबर को तंगधार समेत कुछ जगहों पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया था। निश्चय ही सेना का जो नुकसान हुआ है उसमें सारा देश सहानुभूति भी रखता है, क्योंकि इस प्रकार की कार्रवाई में जिस प्रकार का बलिदान और जिस प्रकार का सहयोग सेना और सैनिकों की ओर से आता है इसका कोई और उदाहरण नहीं, और सारा देश सारा राष्ट्र उसके लिए ऋणी है। परंतु साथ ही साथ आपके माध्यम से ये भी आश्वस्त करवा देना अनिवार्य है दर्शकों को कि भारत और भारतीय सरकार पूरी तरह सक्षम है हर प्रकार के आतंकवादी चुनौती से निपटने के लिए। लगता यह है कि ये जो अटैक तंगधार में हुआ है इसका मेन पर्पज ये है कि जो प्रेशर बिल्ड हुआ है कुपवाड़ा एरिया में, जहां पर पिछले दिनों से एनकाउंटर चल रहे हैं, और इतलात ये भी हैं कि शायद कुछ और लोग भी वहां पर मौजूद हैं जिनके लिए तलाश हो रही है, वहां से प्रेशर रिलीव करने के लिए कोशिश है। तो ये ऑनगोइंग बैटल है, खास करके क्योंकि अब बर्फें पहाड़ों पर पड़ जाएंगी और रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे और तंगधार भी कट ऑफ हो जाएगा नस्ता चून में, जिस वक्त बर्फ पड़ जाएगी तो इधर आना जाना बंद हो जाएगा। तो उससे पहले डेस्परेशन है, और उस डेस्परेशन में जितने लोग अंदर भेज सकते हैं उसकी वो कोशिश कर रहे हैं, और हमारी सिक्योरिटी फोर्स की पूरी कोशिश है कि जैसे आज तक उनको रोक के रखा है आज तक उनको रोक के रखा जाए और उनकी जो नेफेरियस डिजाइंस हैं वो पूरे ना हो सके। और ताजा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। खालिद, खबर आ रही है कि सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए 3 आतंकवादियों को मार गिराया है, और क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? देखिए, फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि वो 3 मिलिटेंट्स जिन्होंने सुबह हमला करा था इस कैंप पर 31 गोरखा राइफल्स का 104 ब्रिगेड में टांगडार में, उनको मार गिराया गया है। वो कैंप के अंदर नहीं थे बल्कि कैंप के बाहर ही थे, वहां से फायर कर रहे थे, उन्हें मार गिराया गया है। फिलहाल कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, ये जानने की कोशिश की जा रही कि क्या केवल संख्या 3 ही थी या इनसे ज्यादा भी आतंकी वहां पर है और उन्हें भी न्यूट्रलाइज किया जाए। इस पूरी ऑपरेशन में जहां 3 आतंकियों को मार गिराया गया है वहीं एक वहां का सिविलियन नागरिक है वो भी हताहत हुआ है, उसकी भी मृत्यु हो गई है। इसके अलावा अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं कि जो एक जवान है वो मिसिंग है, लेकिन उसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। हाँ, 4 जवान घायल जरूर हैं, जिनमें एक जेसीओ है वो भी घायल है, जिन्हें एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है जहाँ उनका इलाज चल रहा है और वो स्टेबल बताए जा रहे हैं। फिलहाल ऑपरेशन चल रहा है और जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, और उन्होंने भी कहा था कि उनके 3 जो आतंकी है उन्होंने ये हमला अंजाम दिया है। जी, फिलहाल किस तरह सेना की तरफ से क्या कुछ आधिकारिक पुष्टि की गई है, ये भी खबर मिल रही है कि एक जवान जो है वो फिलहाल लापता बताया जा रहा है, इसके साथ साथ 4 जवान घायल भी हुए हैं। किस तरह की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल सेना की तरफ से की गई है खालिद? देखिए, सेना की तरफ से ये पुष्टि हुई है कि जेसीओ जो है वो घायल है इसमें और जवान जो है वो घायल है, लेकिन मरने की कोई खबर नहीं है सेना की तरफ से। ये सुखद बात है, उसकी पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल उन्होंने कहा कि 3 आतंकी जो है उन्हें मार गिराया गया है, एक सिविलियन जो है वो भी इसमें उसकी भी जान चली गई है। ऑपरेशन फिलहाल जारी है और मिलिटेंट्स ने सुबह यूबीजीएल फायर किए थे जिसकी वजह से
पेट्रोल बैरल्स जो कैंप के अंदर रखे हुए थे उसमें आग लगी थी, उसकी वजह से नुकसान हुआ है कुछ गाड़ियों का और पेट्रोल बैरल जो जल गए हैं। पूरे इलाके को कॉर्डन कर लिया गया है और कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है इस इलाके में और कोशिश की जा रही है कि अगर और कोई आतंकी वहां छुपा है तो उसे भी न्यूट्रलाइज किया जाए। जी बिल्कुल खाले, जिस तरह से 13 नवंबर से लगातार अलग अलग आतंकियों के खिलाफ एनकाउंटर चल रहा था कुपवाड़ा जिले में और 20 नवंबर को आईबी की तरफ से भी कहीं ना कहीं तंगधार समेत कुछ जगहों पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया था, फिलहाल क्या कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं, कितने आतंकवादी जो हैं वो LOC क्रॉस करके इंडिया के अंदर घुसे हुए, कुछ ऐसी खबरें मिल रही हैं? देखिए जो एक इनपुट है वो 30 और 31 अक्टूबर की रात को एक बड़े ग्रुप ने इन्फिल्ट्रेट किया है इस तरफ से, इसकी पुष्टि भी हो चुकी है लेकिन आंकड़ा कितना है वो कह पाना मुश्किल है और वो ग्रुप इन्फिल्ट्रेट करके छोटे छोटे ग्रुप्स में बट गया है जिसका हमने कई जगहों पर पिछले दिनों में हमले भी देखे जिसमें कर्नल भी शहीद हुए थे मानीगाह कुपवाड़ा इलाके में जहाँ पिछले 3 हफ्तों से लगातार ऑपरेशन चल रहा है मिलिटेंट्स के खिलाफ। इसके अलावा शमसावारी रेंज जो ये पूरा पड़ता है उसी के हिंदवाड़ा इलाके के नौगाम सेक्टर में भी मिलिटेंट्स को देखा गया था और उन पे भी कार्रवाई की गई थी लेकिन वो चकमा देने में सफल रहे थे और ये पूरा इलाका जो है शमसावारी रेंज में ही आता है और ऐसी आशंका है कि जो पिछले 3 दिनों से लगातार कश्मीर में धुन छाई हुई है और उस धुन की आड़ में ये टंगडार में ये मिलिटेंट्स घुसे होंगे और वहां उन्होंने आज ये हमला अंजाम दिया क्योंकि टंगडार में ऐसे प्रॉपर रूट से जाना बहुत कठिन है क्योंकि वहां के स्थानीय नागरिकों की भी चेकिंग होती है आर्मी द्वारा। ये पूरी आर्मी छावनी है, एक पूरा ब्रिगेड 104 ब्रिगेड वहां पर है क्योंकि ये बहुत ही नजदीक है नियंत्रण रेखा के, टीटवाल के जो इसके पीछे गांव पड़ता है वहां से एक ब्रिज है जो पाकिस्तान को जाता है, एक मोटरेबल रोड है POK के लिए। तो इस इलाके को हम आर्मी छावनी कहें तो गलत नहीं होगा लेकिन इस इलाके में ये मिलिटेंट्स का घुस जाना निसंदेह एक चिंताजनक बात है और उस पर भी बाद में कार्रवाई जरूर होगी सेना की तरफ से कि आखिर ये कहां से घुसपैठ हुए। लेकिन फिलहाल जो प्राइम फोकस है वो ये है कि जो ये एनकाउंटर चल रहा है इसमें जो मुलविस है आतंकी उनको न्यूट्रलाइज किया जाए जिसमें बिल्कुल जो आतंकी है उन्हें कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करने की ही प्राथमिकता सेना की तरफ से है। खालिद आप हमारे साथ बने रहिए, आइए आपको एक बात बताते हैं कि इधर कुछ महीनों में कश्मीर में सेना और आतंकियों के बीच कब कब मुठभेड़ और एनकाउंटर हुए हैं। 23 नवंबर की अगर बात करें तो कुपवाड़ा में एनकाउंटर में एक आतंकी मार गिराया गया था। 23 नवंबर की बात करें तो अनंतनाग जिले में आर्मी ने एनकाउंटर में 3 आतंकियों को मार गिराया था। 18 नवंबर की अगर बात करें तो कुपवाड़ा में एनकाउंटर के दौरान कर्नल संतोष महाडिक शहीद हो गए थे। यहां के जंगलों में पिछले कई दिनों से आतंकी छिपे हुए थे। उधर 2 सितंबर की अगर बात करें तो बारामूला में एनकाउंटर के दौरान आर्मी का एक जवान शहीद हो गया था लेकिन 3 सितंबर को आर्मी ने हंदवाड़ा में 4 आतंकियों को मार गिराया। तो लगातार जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं लेकिन सेना भी कहीं ना कहीं मुंह तोड़ जवाब लगातार दे रहा है। खालिद जिस तरह से लगातार सर्च ऑपरेशन सेना की तरफ से चलाए जा रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में वहां पर बर्फ भी पड़ने वाली है और जो तंगधार इलाके की बात करें या कुपवाड़ा इलाके की अगर हम बात करें तो वहां पर जंगल काफी हैं, तो किस तरह से फिलहाल जो सर्च ऑपरेशन है उसे आगे बढ़ाया जा रहा है सेना की तरफ से? जो है ट्रेडिशनल रूट रहा है इन्फिल्ट्रेशन का पिछले 25 वर्षों से, अक्सर मैक्सिमम जो इन्फिल्ट्रेटर्स आए हैं वो इसी रास्ते से आए हैं शमसावारी रेंज से और इस इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन अक्सर चलता है सेना की तरफ से लेकिन इनपुट के बबाद के एक बड़े ग्रुप ने इन्फिल्ट्रेट किया है। 9 पैरा और 4 पैरा के कमांडोज को वहां पे भेजा गया है, हेलीकॉप्टर से इस पूरे एरिया की जांच हो रही है कि कहीं कोई मिलिटेंट छुपा हो तो उसको न्यूट्रलाइज किया जाए या फिर दर्द दबोचा जाए। ये इलाका जो है पूरी तरह से सतर्क कर दिया गया है जब से इनपुट मिला है कि कोशिश की जाएगी कि मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन हो क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो बर्फ पड़ने का है और तब से बर्फ पड़ने के बाद ये इलाके जो है इन जो रूट्स हैं इन्फिल्ट्रेशन के ये बंद हो जाते हैं, इसलिए कोशिश हमेशा से रहती है हर साल जैसे बर्फ पड़ने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा आतंकियों को इस तरफ धकेला जाए ताकि यहाँ जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ हैं वो सक्रिय रहें और उस कोशिश को नाकाम बनाने के लिए लगातार जो है सेना डटी हुई है और 3 ग्रिड्स लगाए जाते हैं। पहला LOC पे उनको ट्रैप किया जाता है,
जाता है, उसके बाद हिंटरलैंड में उनको ट्रैप किया जाता है, उसके बाद बस्ती में पुलिस का ग्रिड रहता है। तो थ्री टायर हम कह सकते हैं विजिल रहता है खासकर इन महीनों में, अक्टूबर के महीनों में और नवंबर के महीनों में, ताकि इन्फिल्ट्रेटर्स जो है घुसपैठ ना कर पाए। जी जी खालिद, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए 3 आतंकवादियों को मार गिराया है और हमले में 1 जवान के शहीद होने की भी खबर है। तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।